रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित चेस प्रतियोगिता के दूसरे और अंतिम दिन चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू मौजूद रहे। मौके पर मुख्य अतिथि ने इस रोचक खेल के प्रथम विजेता पुलकित सिन्हा को नगद 2500 रुपये और प्रशस्ति पत्र, द्वितीय विजेता रिमझम को 1500 रुपये प्रशस्ति पत्र तो वहीं तृतीय विजेता सरोज प्रसाद गुप्ता को 1000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो वहीं अंडर 14 के पहले पायदान पर आने वाले यथार्थ कुमार सिन्हा और दूसरे स्थान में आने वाली नव्या तिवारी, तीसरे स्थान में आने वाले ओम कुमार मिश्रा को सम्मान पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। वहीं इस खेल में शामिल सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। रामगढ़ से सलमान कादिर की रिपोर्ट। चेस चैंपियनशिप का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चालू हो चुका है। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। हम लोग के भी मुख्य अतिथि सर भी आ रहे हैं, कुंटू बाबू सर, आप उनका भी स्वागत कीजिए जोरदार ताली से। जोरदार ताली। इधर ऐसे देखिए, इधर देखिए तो मेरा विनोदी
आदित्य गौतम रामगढ़ में के तरफ से आया गया उसके लिए यहाँ तमाम तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये माइंड गेम है और बच्चे का मानसिक विकास निर्भर करता है, तो चेस गेम है और आने वाले समय में रामगढ़ जिला चेस एसोसिएशन इस राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट यहाँ पर करवाने जा रही है। मुझे प्रेसिडेंट आदरणीय धनंजय कुमार जी, सचिव नीरज जी, लोगों से हमारी बात हुई है। हमारी जो कामना है, जितने हमारे देश के बच्चे हैं जो देश खेलते हैं, सबको उनके उज्ज्वल भविष्य की अगर कामना देते हुए और रामगढ़ के पार्टिसिपेंट को बधाई देते हैं। इतना अच्छा सफल आयोजन आप लोगों ने किया और अंत में ये करेंगे जो फिर दोबारा इससे बड़ा बड़ा आयोजन हमने देखा लायंस क्लब हुआ, किसी को उम्मीद करते हैं आने वाले समय में नेशनल स्तर के प्लेयर रामगढ़ की धरती पर आएंगे और यहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद।